चंडीगढ़ में कांग्रेस की मीटिंग के बाद सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो राजनीतिक दल सांप्रदायिकता की आड़ में राजनीति करते हैं उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कार्यकर्ता ही सक्षम है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के कार्यकर्ता ही ढीले हैं तो हम पार्टी से अच्छे परिणामों की आशा नहीं कर सकते। इस दौरान मीटिंग में मौजूद अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया है उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया है, पार्टी के खिलाफ काम किया है, उनके बारे में पार्टी हाईकमान को बता दिया जाएगा। इस तरीके से हम आने वाले समय में लोकसभा उसको लेकर के अपनी तैयारी शुरू करें, उसकी एक आज उनके साथ एमएलए हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य से लेकर साथियों के साथ। लेकिन एक बात आई क्योंकि कल हमारा दिन लोकसभा के हमारे चुनाव के परिणाम आते ही पार्टी के भीतर भी और पार्टी से बाहर भी सभी पार्टी नेताओं ने सारी बातों को लेकर मतगणना हुई, उस पर विचार हुए और फिर ये फैसला किया कि कुछ चीजें हैं जो ओपनली हम बात करेंगे, बाकी सारे मसलों को लेकर आपस में अंदर बैठकर एक एक पहलू पर एक एक मसले पर बैठकर हल करेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष ने एक बात कही कि जिन लोगों ने नेताओं ने एमएलएज ने या जिला अध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्ष ने कांग्रेस के खिलाफ काम किया उनको रहने का हक नहीं है, ये पीसीसी प्रेसिडेंट का हाई कमान को ये बता दिया जाएगा रिपोर्ट। जनता को शांति से रहने के लिए और तरक्की के लिए रास्ते निकाल सकते हैं तो वो तभी संभव है जब जातिवादी राजनीति और सांप्रदायिकता पे आधारित जिन लोगों की राजनीति है या जिन दलों की राजनीति है उससे हम लोहा लें, उनसे टक्कर लें। सांप्रदायिकता की आड़ में जो राजनीति करते हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कार्यकर्ता ही सक्षम है। और कार्यकर्ता अगर इस चुनाव में ढीले रहे हैं तो हमें अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या कारण रहे हैं जो ढीले रहे हैं कार्यकर्ता? कार्यकर्ता ढीले रहने का यही है कि संगठन जो है जहाँ भी सरकार होती है वहाँ संगठन बैक सीट पे आ जाता है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि संगठन को उतना ही सक्रिय रहना चाहिए चाहे सरकार हो चाहे ना। तब क्या